हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका कंप्यूटर का चैप्टर 4 देखेंगे, लर्न टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। वो हमारा चैप्टर 4 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो आपके चैप्टर का नाम है और वो आज हमको एप्लीकेशन सीखना है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही बताऊंगी, ठीक है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप टाइपिंग कर सकते हो, उसमें कुछ ड्राइंग ला सकते हो, उसमें कुछ डिज़ाइन बना सकते हो, जो रेडी होते हैं वैसे सिंबल ला सकते हो, ये सारा काम आप कर सकते हो। अभी तक आपने नोटपैड यूज़ किया है, नोटपैड में टाइपिंग किया है, पर अब आपको वर्ड भी सीखना है और वर्ड में भी काम करना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उन्होंने ये वर्ड बनाया है, वर्ड नाम का एप्लीकेशन बनाया। अब हम चालू कैसे करेंगे ये? तो ये जो स्टार्ट प्रोग्राम है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये कैसा पॉपअप बॉक्स खुलेगा। यहाँ से आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है, यहाँ से आपको ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा है, देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पूरा पैकेज है और उसके ऊपर क्लिक करोगे आप, वैसे ही ये चार एप्लीकेशन उसकी दिखती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हमको सीखना है आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पूरा स्क्रीन खुल जाएगा। आपको सीखना ये है कि स्क्रीन पे क्या क्या होता है। तो सबसे ऊपर जो ये ब्लू लाइन है, देखो मेरा ये माउस घूम रहा है, आपको वो ये देखना है, ये जो ब्लू लाइन है वो उसको बोलते हैं टाइटल बार। फिर उसके बाद ये फाइल, एडिट, व्यू, वो सब जो लिखा हुआ है वो है आपका ये मेनू बार है। और फिर उसके नीचे ये सारे जो दिए हुए हैं वो आपका सिंबल सारे दिए हुए, आइकॉन दिए हुए, जैसे यहाँ पे ये सेव है, फिर ये यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, फिर ये प्रिंटर का है, फिर कुछ ढूंढते हो उसका भी यहाँ पे दिया है, देखो रिसर्च करना, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन दिए हुए। और ये सारे फॉर्मेटिंग बार है, बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना, फिर जब आप लिखते हो तो होता है ना कभी लेफ्ट साइड से लिखते हो, फिर राइट, फिर सेंटर, ये सारा भी दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको ये स्क्रीन बताई, ये जो व्हाइट कलर का पेज है आपका, इसको पेस्ट बोर्ड बोला जाता है, जो खाली होता है। हाँ फिलहाल तो मैंने लिख के रखा है आपके लिए, पर ये इसको हम बोलेंगे पेस्ट बोर्ड, जो ब्लैंक होता है उसमें आप कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। वर्ड है वो कहाँ पे यूज में आता है? तो जैसे कि आप टेबल बना सकते हो इसमें, जैसे कि आप इसमें रिपोर्ट बना सकते हो, आप लेटर टाइपिंग कर सकते हो, और जैसे अभी आजकल आप घर पे ही पढ़ाई करते हो ना, तो आप आपका होमवर्क भी इसमें कर सकते हो, प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, काफी कुछ वर्क इसमें हो सकता है। होमवर्क इसमें कर सकते हो पर आप सेंड तो नहीं कर सकते हो ना, इसलिए हमको नोट में लिखना पड़ता है, पर हाँ बाद में आपको रीडिंग करने के लिए आप इसमें टॉपिक लिख के भी रख सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है फीचर्स ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर का फीचर्स क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट लिखा है यू कैन एडिट वर्ड एंड सेंटेंस, आप इसमें वर्ड और सेंटेंस एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने ये फर्स्ट लाइन लिखी है ना, ये वाली आपको दिख रही है ना, कि आप इसमें एडिट वर्ड एंड सेंटेंस, आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। देखो जैसे मैं ये यहाँ पे लिख रही हूँ कंप्यूटर, है ना, तो ये लिखा हुआ आया ना, आप इसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसको मिटाना है तो वो भी आप कर सकते हो, पूरा पूरा सेंटेंस आपको एडिट करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे लिखा है यू कैन चेंज द साइज, स्टाइल,
लेटर एंड मेक द कलरफुल। आप इसको क्या कर सकते हो, इसकी साइज चेंज कर सकते हो फॉन्ट की। जैसे देखो मैंने ये पूरा सिलेक्ट किया, जितना लिखा है उतना पूरा मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, और फिर उसका मुझे अगर फॉन्ट बड़े करने हैं तो मैं इसको कर सकती हूँ। ठीक है, ये मैं पूरा सिलेक्ट करके इसके फॉन्ट बड़े करने हैं तो मैं यहाँ जाके, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ जाके इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अभी जितने भी नंबर बढ़ाने बढ़ा के देखो, फॉन्ट बड़े हो गए है ना। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कलर दिया हुआ है ना, आप जो भी कलर करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। देखो फॉन्ट भी बड़े हो गए, कलर भी बड़ा हो गया, कलर भी आ गया, फॉन्ट भी बड़े हो गए है ना। अगर आपको इसके फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी है, सिर्फ एक ही लाइन की आपको स्टाइल चेंज करनी है, तो इसको आप ऐसे माउस से ब्रेक करके सिलेक्ट करो और फिर आप उसको जो भी स्टाइल में लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे मैंने गुजराती कर दिया यहाँ पे, तो वो गुजराती हो जाएगा। फिर अगर आपको कर्सिव राइटिंग चाहिए या फिर इटालिक चाहिए या फिर कोई भी चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल दे रखी है देखो, है ना। आप माउस से क्लिक करते जाओ, आपको दिखाई देगा कि कितनी सारी यहाँ पे दिया हुआ है सिंबॉलिक, ये फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है। ठीक है, आप इसमें जो भी चाहो चेंजेस आप कर सकते हो। जैसे अभी फिलहाल मैंने लिया एरियल ब्लैक, देखो कितना चेंज हो गया ना, जो हमने लिखा था उससे कितना चेंज हो गया, बड़ा हो गया एरियल ब्लैक, मतलब डार्क हो गया एकदम। तो ये सारा काम भी आप इसमें कर सकते हो। फिर तीसरा लिखा है यू कैन सेट द मार्जिन फॉर योर पेज, आप आपके पेज के मार्जिन भी चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे जो भी मार्जिन, मतलब आपको छोटा बड़ा करना है, लेफ्ट राइट ले जाना है, पेज सेट करना है, वो सारा भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, फिर यू कैन कट कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, आपने जो कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसको कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो और दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये फर्स्ट वाली लाइन लिखी है ना, देखो मैं बताती हूँ, इसको सिलेक्ट किया मैंने माउस से ड्रैग करके, ये सिलेक्ट कर लिया पूरा। अब इसको मुझे कॉपी करना है तो शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, पर अगर आप एडिट में जाके भी इसको देखो कॉपी कर सकते हो। ये यहाँ पे लिखा है कॉपी और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, क्लिक करो उसको और आपको जहाँ पे भी ले जाना है वहाँ ले जाके उसको पेस्ट करो। कॉपी और पेस्ट एक साथ ही होता है, तो कॉपी किया था हमने, अभी पेस्ट कर रहे हैं, तो कंट्रोल वी क्लिक करोगे तो देखो नीचे दोबारा लिख के आ गया ना। अगर हमको ये नहीं चाहिए और इसको कट करना है तो इसको क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे इसे माउस से ड्रैग करके और फिर एडिट में जाके उसको कट करेंगे, जिसको बोलेंगे कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स से वो कट हो जाता है। हो गया कट, अगर आपने कट कर दिया और दूसरी जगह पे ले जाना है, वापिस रखना है, तो पेस्ट करोगे तो वो वापिस भी आ जाएगा, आ गया ना देखो वापिस। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी पेस्ट भी होता है, कट भी होता है, जो आप करना चाहो वो इसमें कर सकते हो। ठीक है, वो तो आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे से आएगा। फिर लिखा है यू कैन चेक एंड करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, आप इसमें स्पेलिंग और ग्रामर भी चेक कर सकते हो और वो अच्छे से जो भी उसमें गलतियां हैं वो आप सुधार सकते हो। जैसे कि यहाँ देखो कलरफुल के नीचे रेड लाइन आ रही है ना, तो कंप्यूटर में ये कलर की स्पेलिंग COLOR चलता है और हम लिखते हैं COLOUR, तो वो इसलिए रेड लाइन आ रही है कि आपकी ये स्पेलिंग गलत है। जब भी हमारी स्पेलिंग गलत होगी तो ये कलर आपको दिखेगा, पर कंप्यूटर में COLOR ही लिख सकते हैं।
ठीक है, पर अभी समझाने के लिए तो मुझे सही स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने ये वाला लिखा है। फिर यहाँ पे लिखा यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर एंड डॉक्यूमेंट। आप पिक्चर और डॉक्यूमेंट भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे नीचे लिखा है इंसर्ट क्लिप आर्ट, मैंने देखो माउस रखा तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, उसके बाजू में लिखा है इंसर्ट पिक्चर। अब मैं क्लिक करूंगी, मेरे कंप्यूटर में जहाँ कहीं पे भी पिक्चर पड़े होंगे मैं ला सकती हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पे पिक्चर रखे, देखो ये कीबोर्ड का पिक्चर है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के पिक्चर है, आप चाहे उसका ला सकते हो। जैसे मैंने कीबोर्ड का लाना है और इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक किया, देखो आ गया कीबोर्ड हमारा। ठीक है, ये हमारा कीबोर्ड आ गया। अब उसको हमको छोटा बड़ा जैसा करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो है ना, ये हमारा कीबोर्ड आ गया। तो आप इस तरह से पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और फिर है उसके बाद आपने जो भी वर्क किया है उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो इसमें प्रिंट की भी फैसिलिटी, अगर आपने समझो कि कंप्यूटर का मैंने बोला है कि एक प्रोजेक्ट बनाना है इनपुट आउटपुट डिवाइस का, तो आप प्रोजेक्ट बनाना, तो आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंप्यूटर में वर्क कर सकते हो, फिर उसकी प्रिंट निकालो, फिर आप मुझे सबमिट करवाओ। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्रिंट भी निकलती है। कहाँ से निकलेगी, वैसे मैंने यहाँ बाहर ही दिखाया था आपको, देखो ये प्रिंट का है सिंबल यहाँ पे, या फिर आप फाइल में जाके भी प्रिंट करके आप दे सकते हो यहाँ पे, पर अभी मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं लगा हुआ है तो प्रिंट निकलेगी नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बताया वर्ड प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसर और उसकी स्क्रीन मैंने आपको बताई है ना, ये स्क्रीन मैंने आपको बताई। अब मैं आपको आगे कीबोर्ड के बारे में बता रही हूँ। वैसे आप कीबोर्ड जानते हो, आप कीबोर्ड यूज भी किया है, पर फिर भी मैं आज अभी आपको कीबोर्ड के बारे में बता रही हूँ कि कीबोर्ड क्या है, उसमें कितनी की है और कैसे वर्क होता है। अब हमने ये कीबोर्ड लेके ही रखा है तो उसी को यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है, देखो दिख रहा है अब अच्छे से। ठीक है, ये कीबोर्ड आपका आप बहुत बार यूज कर चुके हो, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा कि कीबोर्ड क्या है, अब सही से दिखाई देगा आपको। इसमें ये जो बीच में जो कोई भी की लगी हुई है वो अल्फाबेट की है, उसके ऊपर नंबरिकल की दिया हुआ है, यहाँ पे भी नंबरिकल की दिया हुआ है, ये जो है वो सारी एरो की है जिसके जरिए आप ऊपर नीचे मतलब अप डाउन राइट लेफ्ट आपका जो भी लिखा हुआ है उसको आप हटा सकते हो। जैसे देखो अभी मैं अप ले जा रही हूँ तो कीबोर्ड अप जा रहा है ना, अब मैं डाउन कर रही हूँ तो नीचे आ रहा है, फिर मैं एरो की से लेफ्ट ले जा रही हूँ, फिर एरो की से राइट ले जा रही हूँ, ये एरो की का यूज है। और एरो की देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा है ना, तो ये एरो की दिया हुआ है आपका। और फिर मैं थोड़ा बड़ा करूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। हाँ, अब ये अल्फाबेट दिया हुआ है, उससे आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हो। यहाँ पे एंटर की दिया हुआ है, ये वाली एंटर की है जिससे आप नई लाइन में जा सकते हो। फिर यहाँ पे कैप्स लॉक की दिया है, अगर आपको कैपिटल लिखना है सारा तो आप कैप्स लॉक की का यूज कर सकते हो। फिर ये स्पेस बार की है, जो आप लिख रहे हो उसमें स्पेस देने के लिए ऊपर यहाँ F1 से लेके F12 तक की फंक्शन की दी हुई है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कीबोर्ड का यूज भी आज फिर से बताया। वैसे आपने फर्स्ट सेकंड में सीखा था, पर फिर भी आज मैं आपको कीबोर्ड फिर से बताया कि कीबोर्ड से कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो ये आज हमारा चैप्टर 4 था माइक्रो प्रोसेसर, या फिर लर्न टू यूज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमारा चैप्टर 4 था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।